डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे जिला अस्पताल उर्सला। अचानक हुए इस दौरे को लेकर उर्सला प्रशासन में मचा हड़कंप। निदेशक समेत अन्य डॉक्टर ने किया स्वागत। क्या चेतावनी है पूरे डॉक्टर के लिए? देखिए, चेतावनी नहीं, हम सबसे सहयोग की अपील करते हैं। हमारा जितना चिकित्सकीय परिवार है, चिकित्सा परिवार है, सब लोग हमारे साथ हमारी मदद करें। पूरे प्रदेश के मरीजों की हम सेवा करेंगे और ये हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकारी ईमानदारी से सब मरीजों में एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक मरीजों को राहत नहीं है। धीरे देखिए, आप अभी हमारे साथ हॉस्पिटल के दौरे पर हैं। जो मरीज हमारे एडमिट हैं वो संतुष्ट हैं। जिनका एडमिशन नहीं हो पाया उनको हम एडमिशन दे रहे हैं, उनको बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे रहे हैं। एक बार नाराजगी जाहिर की थी यूपी की चिकित्सा व्यवस्था, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर दिक्कतें हैं उनको हम सुधार कर रहे हैं और अभी हमने अवसर दिया है। और ये मुझे बताने में प्रसन्नता है कि जो डॉक्टर से हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं और मैं उनको बधाइयां देता हूं। हम मिलकर के आपकी भी मदद लेंगे, सभी अस्पताल परिसर को एक बेहतर बनाएंगे, जहां पर बीमार आदमी आए तो हंसता हुआ घर जाए। प्रदेश के सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सभी मरीजों को दवाइयाँ मिलें, हमारे सभी चिकित्सक भाई उनका इलाज करें। अस्पताल परिसर में मरीज को भगवान मान करके हम सेवा करेंगे। माननीय योगी जी ने हमारी पूरे प्रदेश की जो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त रखी है, सबको सरकारी दवाइयाँ मिलेंगी, परिसर में पीने का पानी उपलब्ध हो, स्ट्रेचर व्हीलचेयर उपलब्ध हो, चिकित्सक हमारे सभी समय से बैठें और सबका समुचित इलाज करें। इस प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए हम सभी अस्पतालों में जा रहे हैं और मुझे इस बात को बताने में खुशी है कि 90-95% जो मरीज हैं वो हमारे सरकारी चिकित्सालयों में आ रहे हैं और सभी संतुष्ट हैं। जहाँ कहीं कुछ दिक्कतें हैं उनको हम दूर कर रहे हैं और पूरा मेरा जो चिकित्सकीय परिवार है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब हमारे साथ हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और हमने सबसे विनती की है कि मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें। और मुझे बताने में प्रसन्नता है कि जितने भी हमारे चिकित्सक भाई हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, पूरी ताकत के साथ बढ़ करके मरीजों के साथ काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल के कई डॉक्टर प्राइवेट नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, अभी इसीलिए हम इसीलिए जा रहे हैं, देख रहे हैं, हमने उनसे अनुरोध किया है कि आपकी जो जिम्मेदारी है उसका हम लोग निर्वहन करें। और अभी अभी हमारे पास समय है, अभी हमारे पास समय है, हम स्वयं जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, फिर आगे वो समय नहीं रहेगा। अभी हम सबसे निवेदन अनुरोध कर रहे हैं, हमारी मदद करें। जितने भी हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है, मरीजों की सेवा करें समय से अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिस में। हमें जानकारी मिली है, देखो जो मशीनें हमारी खराब हैं या बन नहीं सकती तो उसको हम बदलवाएंगे और सारी व्यवस्था दुरुस्त।